अब देखो कुछ ना हमारे पास रेडीमेड टूल्स होते हैं जो एज अ मैनेजर आपको पता होने चाहिए, इंडस्ट्री में बहुत एप्लीकेट होते हैं। पहली बात तो इसको यहाँ पे जब आपको शीट खुलेगी ना, आपको दिख रही होगी सेल्स रिपोर्ट, ऐसे दिख रही होगी सेल्स रिपोर्ट वाली, तीन सब शीट्स हैं इसमें। तो सेल्स रिपोर्ट वाली शीट खोल लो एक बारी, और उसके बाद डेटा में जाके लास्ट में ये एक सब टोटल की शीट, उसकी पहली शीट कौन सी है आपकी, सेल्स रिपोर्ट वाली शीट। उसमें जाके डेटा बटन प्रेस करो, सब टोटल होगा लास्ट में, एक्सट्रीम राइट पे सब टोटल, रिमूव ऑल, सब टोटल में रिमूव ऑल, डेटा एक्सट्रीम राइट टॉप पे सब टोटल, उसमें जाके रिमूव ऑल, उसमें जाके रिमूव ऑल। रिमूवल हो गया बेटा सबका। यस सर। चलो अब करेंगे कैसे इसमें। देखो ये सब टोटल का मतलब क्या है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपके पास वीकली डेटा है, जैसे वीक वन का डेटा, वीक टू का डेटा, वीक थ्री का डेटा, ऐसे डेटा बना हुआ, वीकली शीट बनी हुई है आपकी सेल्स रिपोर्ट की। अब हो सकता है आपका मैनेजर आपको क्या बोल दे एक दिन आके कि भाई मुझे बाय वीकली आप क्या दो, टोटल सेल्स बताओ, बाय वीकली टोटल सेल्स बताओ, या बाय वीकली कुछ करके दो। तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन यूज दिस फीचर ऑफ सब टोटल। सब टोटल क्या होता है, ये ग्रैंड टोटल नहीं देगा, ये आपको कैलकुलेशंस के बीच का कैलकुलेशन दे देगा, कैलकुलेशंस की बीच की कैलकुलेशन दे देगा। तो इसको यूज कैसे करते हैं हम, डेटा सब टोटल, ठीक है जी। पहली बात यहाँ पे हम जैसे हम करते हैं ये चीज पिक की, हमने डेटा सारा सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे ये वाला डेटा पूरा सिलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद सब टोटल। अब डेटा सिलेक्ट करने के बाद आप देखो सब टोटल क्या आ रहा है इसके अंदर, एट ईच चेंज इन, यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास जो स्टार्टिंग के हेडर थे उसके बारे में पूछ रखा है उसने, डे में चेंज करना है, वीक में चेंज करना है, वीक डे में चेंज करना है, सेल्स में चेंज करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या होगा, वीक लगा दिया हमने, वीक क्यों, क्योंकि वीक वन, वीक टू, वीक थ्री, वीक फोर ऐसे चल रहा है इसमें। अब फंक्शन क्या यूज करना है, आपने सम निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, एवरेज निकालना है, काउंट निकालना है। लेट अस ट्राई सम, मैंने सम कर रहा है, मैंने सम कर दिया। एड सब टोटल्स टू, अब एड सब टोटल किसका करे, सब टोटल किसका करे, ठीक है जी। हमने यहाँ पे सेल्स का करवाना है, सेल्स का सब टोटल करवाना है, तो सेल्स का करवा दिया यहाँ पे। अब उसके बाद क्या आता है, रिप्लेस करंट सब टोटल। रिप्लेस करंट सब टोटल का मतलब क्या, अगर यहाँ पे टिक लगा होगा तो ये क्या करेगा, जो अभी अगर आपके पास सब टोटल लेटर से आज का बना हुआ है, आज आप बना के चले गए, कल आके आपने कुछ चेंजेस कर दिए, चेंजेस कर दिए शीट में, तो वो अब अपडेट कर देगा उनको, वो अपडेट कर देगा उनको। क्लियर है जी? जी सर। नेक्स्ट पेज ब्रेक। अब पेज ब्रेक का मतलब क्या होता है कि ये क्या करेगा, हर पेज की, हर एक पेज पे एक अलग से रिपोर्ट बना देगा। जैसे आप देख सकते हो अल्टीमेटली मेरी वीक फाइव तक जा रही है, तो वीक वन का सब टोटल की शीट अलग बना देगा, वीक टू की सब टोटल की शीट अलग बना देगा, वीक थ्री की अलग बना देगा, वीक फोर की अलग बना देगा, और वीक फाइव की अलग बना देगा। आपने अगर अलग अलग शीट्स बनानी है सबकी तो यहाँ पर टिक कर दो, ठीक है जी। हमने टिक कर दिया।
समरी बिलो दी डाटा। अब समरी बिलो दी डाटा का मतलब क्या है कि पहले डाटा दिखाए फिर सब टोटल दिखाए, ठीक है जी, पहले डाटा दिखाए और फिर सब टोटल दिखाए। अगर आप इसको अनचेक कर दोगे तो वो उल्टा दिखा देगा आपको, पहले सब टोटल दिखाएगा और उसके बाद डाटा शो करेगा। बट हमेशा अच्छी प्रैक्टिस क्या होती है कि आप पहले क्या शो करो, सब टोटल, सॉरी पहले डाटा शो करो और फिर क्या शो करो, सब टोटल। एम आई क्लियर? ओके करके देखें, ठीक है। अब आप देख सकते हो, ये देखो बन गई ना सारी शीट्स, ये देख सकते हो आप। सर बट ये तो एक ही पे बनी है। हाँ जी बेटे, लेकिन ये अलग अलग बन गई ना, देखो ये शीट अलग बन गई आपकी एक, जी 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 सर, ये अलग बन गई एक शीट आपकी, मर्जो क्या रखे ना सेल्स यहाँ पे, जी जी ये अलग बन गई है, ठीक है। एक बारी हम वापस जाते हैं और दोबारा दूसरा फीचर करके दिखाता हूँ, रिमूव ऑल कर देता हूँ मैं लो, ठीक है। एक मिनट, सारे सिलेक्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल ए, सब टोटल, रिमूव ऑल, आगे वापस ओरिजिनल डेटा में, ठीक है। डेटा सिलेक्ट किया फिर से, उसमें गए सब टोटल में, सब टोटल के अंदर वीक सम सेल्स, इसको हटा देता हूँ मैं, ओके। ये देख लो आप, कुछ फर्क आ रहा है कि नहीं? जी अब साथ में ही हो गए हैं। आप देख भी सकते हो वीक वन का टोटल आ गया, वीक टू का टोटल, ग्रुपिंग आप कर सकते हो, ये देखो यहाँ से आप इसको कर सकते हो ना, जैसे अगर आप टू करते हो तो सिर्फ वीकली टोटल दिखाई दे रहा है आपको। बेटे क्लियर हुआ सबको ये सब टोटल का कंडीशन? यस सर, यस सर। बना के देखो एक बारी, रिमूव कैसे सब टोटल। अरे इतना शोर बेटा, सड़क पे बैठे क्लास लगा रहे हो? सब टोटल में गए पहली बात, जैसे क्या कंट्रोल ए कर लो इधर, उसके बाद सब टोटल में गए और यहाँ पे रिमूव ऑल, यहाँ से रिमूव ऑल। थोड़ी सी अंकल की दे दे, बेटे क्लियर है? क्या कह रहे हो? जैसे कि डेज का करना हो तो डेज का सब टोटल करने का कोई फन नहीं होगा ना? देख लो रिपोर्ट डिपेंड करेगी ना, आप हर एक का तो आप डे में क्यों आ जाएगा, वो डे वन का टोटल दे देगा, डे टू का टोटल दे देगा, डे थ्री का टोटल दे देगा। अब इसको अगर कॉपी पेस्ट करना है कहीं पे, हमने एक चीज करके देखते हैं, कॉपी इसका पेस्ट टोटल कैसे किया किसका टोटल सर? ये जो आपने लास्ट स्टेप किया है ना, जो वीक्स बेटे, का टोटल आ गया ग्रुपिंग आ सबका। गई ना यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 बटन दिख रहे हैं आपको साइड में, उनको प्रेस कर दो, यस वन सर, टू थ्री वहां से आ जाएगा। यस सर। अब देखो अगर इसको हम कॉपी करते हैं, लेट अस से मैंने कंट्रोल सी किया, एक नई शीट ऐड करता हूँ, कंट्रोल वी, ये तो पंगा पड़ गया। जी सर, ये पूरा आ गया वैसे। ये पूरा आ गया ना, तो अगर हमने अब कॉपी करना तो कैसे करेंगे, कॉपी करेंगे तो कैसे करेंगे, वापस जाएंगे, ठीक है जी। अब जब सिलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है पहले तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट, फिर ऑल्ट सेमी कोलन, ऑल्ट सेमी कोलन, फिर कॉपी, ठीक है जी, फिर कॉपी और फिर पेस्ट। आप देख सकते हो करना सर, ये बताना एक बार क्या?
देखो जब मैं सिंपल कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ तो वो सारा कुछ ही कॉपी पेस्ट कर रहा है मेरे लिए, ठीक है। दोबारा देखो, अगर मैं सिंपल करता हूँ, ये ऐसे किया मैंने सिलेक्ट, कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ, देखो सारा कॉपी कर रहा है मेरे लिए। लेकिन फिर मुझे बेनिफिट क्या हुआ सब टोटल बनाने का? अगर मैंने सब टोटल लेनी तो सब टोटल ही लूँ ना मैं, तो इस केस में मुझे क्या करना चाहिए? पहले हम करेंगे सिलेक्ट, फिर ऑल्ट सेमीकोलन, ऑल्ट सेमीकोलन, फिर कॉपी, फिर पेस्ट। एम आई क्लियर? जी सर। करके देखो एक बारी, ये बड़ा ये इंटरव्यू क्वेश्चन है कि सब टोटल वाली चीजों को कैसे कॉपी करेंगे हम। अगर ऐसे नॉर्मल कॉपी करें तो पेस्ट स्पेशल से कुछ नहीं होगा इसका? नहीं, हिडन रोज को भी दे देगा ना वो साथ में। सर बड़ा ही आ रहा है, एक मिनट बेटा। पहले सिलेक्ट करो, फिर ऑल्ट सेमी कोलन, ऑल्ट सेमी कोलन, फिर कॉपी, यस सर, फिर पेस्ट। आगे से ठीक है, ठीक है। क्लियर हुआ जी सब टोटल? एक और बार प्रैक्टिस करके देखते हैं। सेकंड शीट खोलेंगे, ये मैन पावर समरी की। डेटा में जाएंगे, रिमूव सब टोटल, ठीक है जी। अब आप देखो यहाँ पे एक तरफ आपको क्या दे रखा है, बिजनेस यूनिट्स दे रखे हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको क्या दिए हुए हैं, बिजनेस यूनिट्स दे रखे हैं, उसके बाद प्रोजेक्ट नेम, और फिर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त की सेल दे रखी है सारी की सारी। तो यहाँ पे अगर हमें करना है तो हम करेंगे कैसे? सिलेक्ट करेंगे सब टोटल। अब देखो हमें क्या चाहिए, बिजनेस यूनिट्स चाहिए, यस नो? यस सर। उनका सम चाहिए। अब सब टोटल कहाँ कहाँ चाहिए, हर एक साल का चाहिए होगा या हर एक मंथ का? जिस जिस मंथ का चाहिए वहां टिक कर दें। ओके, ये देख सकते हो आ गया आपके पास। जितने भी बिजनेस यूनिट से SW01, SW02, ये देखो SW01 का हर एक मंथ का सब टोटल आ गया ही। बोलो जी, क्लियर है ये? सर एक बार ऊपर करा दो स्क्रीन, जो हॉरिजॉन्टल दिया ये ना। सर एक बार ट्राई कर लेते हैं। हो गया,
करें बेटे? हाँ बेटे, कल वाली वीडियो अभी अपलोड नहीं हुई है, यूट्यूब वाला जो बंदा है ही इज नॉट वेल। हाँ जी, करें बेटे आगे? क्लियर हुआ सबको सब टोटल? ठीक है, अब जैसे इस वाले में जो लास्ट शीट है इसमें कुछ और करके देखते हैं। ग्रुप्स बने हुए हैं अलग अलग, ठीक है जी। ये रिमूव कर दी हमने सब टोटल, अच्छा सारा नहीं किया, कंट्रोल ए रिमूव ऑल, ठीक है जी, ये हो गया। अब सिलेक्ट करेंगे डेटा को। अब देखो हर एक का ग्रुप है यहाँ पे, ए से लेके एच तक ग्रुप बने हुए हैं। मैंने लेटर से मैक्सिमम या मिनिमम निकालने की कोशिश कर रही है कि हर एक ग्रुप का मैक्सिमम या मिनिमम क्या है। सब टोटल यहाँ पे ग्रुप को हमने लिया, ग्रुप हमें फंक्शन क्या यूज करना है, मैक्सिमम किसका, स्कोर का, तो स्कोर का टिक कर दिया, ठीक है जी, ओके। आप देख सकते हो हर एक का मैक्सिमम आ गया, पता लगा जी सबको ये? सर एक बार दोबारा बताना है प्लीज। यस सर। सिलेक्ट करो सारा का सारा, ठीक है जी। उसके बाद सब टोटल में जाओ, आपका जो मेन फिल्टर है वो क्या है, ग्रुप है, तो ग्रुप को सिलेक्ट करो। उसमें फंक्शन जो है मैक्सिमम या मिनिमम जो निकालना है, जैसे मिनिमम कर रहा हूँ अब मैं, कर दिया मिनिमम, स्कोर का मिनिमम, ओके। अब आप देख सकते हो हर एक स्कोर का मिनिमम आना स्टार्ट हो गया और ओवरऑल मिनिमम भी दे दिया उसने। बोलो जी, क्लियर है ये? सब टोटल क्लियर हो गया सबको? ग्रुप वाइज बीच बीच के आंसर्स निकाल सकते हो आप इसके अंदर से। क्लियर है टूल बेटा ये सबको? सब टोटल यस सर। ठीक है, ये अगेन इंटरव्यू में पूछा जाता है। बंद कर रहा हूँ, किसी को डाउट इसके अंदर एक बारी तो, अगर डाउट है तो पूछ लो, एल्स वील क्लोज एंड मूव अहेड। पारस वीडियो देखना बेटे, अब मिलकर लेट हो क्लास में आ रहे आप। एक बार देखो सारे, फोन आ रहा कॉलेज से। हाँ जी, हो गया बेटे ये सब टोटल, बंद कर रहा हूँ। वीडियो देखोगे पारा समझ आ जाएगा दोस्त, ओके। नेक्स्ट आता है डेटा कंसोलिडेशन, डेटा कंसोलिडेशन। अब देखो डेटा कंसोलिडेशन की शीट ऐसे होगी आपके पास, हमने पाइवट टेबल की कंसोलिडेशन सीखी थी, ठीक है, वैसे ही हमारे पास डेटा कंसोलिडेशन भी है। अब देखो डेटा कंसोलिडेशन क्या हो सकता है, अगर मेरे पास अलग अलग डेटा पड़ा हुआ है, अलग अलग डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है जी, उसको मेरे को इकट्ठा करना है एक जगह पे,
उसको मुझे इकट्ठा करना है एक जगह पे. अब देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग इट. एक तो ये तरीका है कि आप फॉर्मेट बना लो और उसमें पेस्ट कर लो, ठीक है जी. एक है कि आप बिना फॉर्मेट के ही पेस्ट कर लो, आप रैंडमली कहीं रख लो उसको. तो डेटा कंसोलिडेशन करते कैसे, डेटा कंसोलिडेशन करते कैसे, आप देखो यहाँ पे डेटा क्या है, 2010 का डेटा है, ठीक है जी. आप देखो यहाँ पे HCL, Compaq, Lenovo, Dell, ठीक है जी. यहाँ पे लेटर से कोई सेल्स गर्ल्स हैं या सेल्स मैन है, हमारे सेल्स बॉय हैं, उनका टारगेट दिया हुआ है इतने इतने पीसीज उन्होंने बेचे 2010 में. दूसरे केस में आप देखो बंदे चेंज हो गए थोड़े से, ठीक है जी, थोड़े ब्रांड नए ऐड हो गए, उनका दिया हुआ है. 2012 के अंदर ब्रांड कम हो गए, बंदे शायद चेंज हो गए, तो अलग अलग बंदों के अलग अलग ब्रांड यहाँ पे दे रखे हैं मुझे, ठीक है जी. तो यहाँ पे हमने इनको कंसोलिडेट करना है एक जगह पे. तो करने का तरीका क्या है, यहाँ गए हम जिस शीट पे हमने कंसोलिडेशन करनी है, वहाँ गए डेटा, वहाँ गए डेटा में गए. अब डेटा में देखो आपके पास ना यहाँ कंसोलिडेट आ रहा होगा, कंसोलिडेट कंसोलिडेट. डेटा वैलिडेशन वाले के अंदर ही चेक करो, वहां पे कर्सर रख के देखो आपको दिखेगा कंसोलिडेशन. अलग अलग वर्जन में अलग अलग चीजों पे होता है. यस सर, है सर. यस सर. ऑल्ट कुलन वाला नहीं हो रहा. आकांक्षा पहले सिलेक्ट कर लो उसको. सिलेक्ट करने के बाद ऑल्ट सेमी कोलन फिर कॉपी फिर पेस्ट. हाँ जी, ये हो गया बेटे, मिल गया सबको कंसोलिडेट का बटन, ठीक है जी. डेटा में, डेटा टूल्स में होगा ये. कंसोलिडेट करो, कंसोलिडेट करो. आपके पास लिखा आ गया होगा फंक्शन, क्या करना है आपने, सम करना है, क्या करना है, ठीक है जी. वो आ गया सम, हमें सम चाहिए था. अब यहाँ पे रेफरेंस क्या है, पहली शीट पे गए, पहली शीट पे गए, सारे देखेंगे स्क्रीन की तरफ, पहली शीट पे गए. अब मुझे ब्रांड से मतलब है, सीरियल नंबर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सीरियल नंबर सबका अलग अलग हो सकता है. हर एक में आप देखो ना शीट में अलग अलग नंबर है, आगे पीछे हो रखे हैं डेटा, तो सीरियल नंबर मत कॉपी करना. आप क्या करो, ब्रांड से टोटल तक को कॉपी कर लो, एड, ब्रांड से टोटल तक को कॉपी कर लो और उसके बाद ऐड. फिर सेकंड शीट पे जाओ, उसका आप ब्रांड से टोटल तक कॉपी करके ऐड. फिर उसके बाद तीसरे पे जाओ, ब्रांड से टोटल तक को कॉपी करके ऐड. एम आई क्लियर, ठीक है जी. जिस जिस रेंज को सिलेक्ट करते जाओगे उसको ऐड करते जाओ, जस्ट जैसे कल सीखा था हमने डेटा कंसोलिडेशन के अंदर. और फिर ये देखो, यूज लेबल इन, यूज लेबल इन. लेबल का मतलब क्या है, जो हेडिंग है, टॉप रो लेफ्ट कॉलम, टॉप रो लेफ्ट कॉलम. अब ये क्या है, क्रिएट अ लिंक. लिंक का मतलब क्या होता है, अब देखो अभी जो मैं कंसोलिडेशन करूंगा उससे ये फर्क नहीं आएगा कि जो मैं अगर मेन शीट में कोई चेंज करूंगा, मेन शीट में कुछ चेंज करूंगा, तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है जी. यहाँ पे वो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट नहीं होगा. तो अगर आपने वो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्शन यहाँ करनी है तो क्रिएट लिंक पे क्लिक कर दो आप. अगर आप क्रिएट लिंक पे क्लिक कर दोगे तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे भी चेंजेस करता रहेगा, लिंकिंग हो जाएगी शीट की, ठीक है. अभी हम बिना लिंकिंग के देखते हैं. ओके, तो आप देख सकते हो आ गया ना आपके पास अभी टेबल बन गया. यस नो, यस सर. बना के देखो एक बार टेबल खुद ही, अलग बन गया. रेफरेंस के क्या बताओगे, कैसे देना था वो फिर से? कौन सा रेफरेंस का, रेफरेंसिंग कैसे करनी है इसकी? जो आपने जिस शीट पे जाने, पकड़ लो उसको, सिलेक्ट कर लो और ऐड कर दो, ठीक है. फिर दूसरी शीट पे जाओ. सीरियल नंबर को नहीं कर रहे हम, क्योंकि सीरियल नंबर सब में सेम हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, तब करके.
ब्रांड से पिक कर रहे हैं। ठीक है एक सेकंड। हो गया जी सब कहीं हो गया। यस सर। अब आप देखो पीछे का फॉर्मेट कॉपी नहीं हुआ है, तो अगर फॉर्मेट में बनाना है तो एक तो आप फॉर्मेट पेंटर से फॉर्मेट कॉपी करके उसमें चीजें लगा सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, डेटा कंसोलिडेशन करनी है यहाँ पे, ठीक है जी, यहाँ पे करनी है हमने। एक बारी इस चीज को मैं इरेज कर लेता हूँ। यहाँ पे गए, सेलेक्ट किया कंसोलिडेट में, अब फिर से सम करना है। चलो जी लगाते हैं यहाँ पे अब सारा ये चीज सेलेक्ट करके ऐड, दूसरे में ये चीज सेलेक्ट करके ऐड, तीसरे में ये चीज सेलेक्ट करके ऐड कर दी तीनों चीजें ऐड, टॉप रो टॉप कॉलम ओके। ये देखो आ गया आपके पास। अरे तो हमने ऑलरेडी शीट वन में किया था ना शायद। हाँ शीट वन हमने फ्रेश शीट ली थी ना, उसमें फॉर्मेट कॉपी नहीं हुआ था। अगर आपने किसी फॉर्मेट में कॉपी करना है तो उसका तरीका भी सेम है जी सर। सर ये एक बार फिर से बता दो सर, मेरा उसमें अगर इसमें फॉर्मेट भी कॉपी करा हमने? नहीं, फॉर्मेट बना के रखा होता फॉर्मेट पेंटर से, या फॉर्मेट जो आपका पेज स्पेशल था वहां से। अगर 2010 11 12 का फॉर्मेट भी करना कॉपी तो वो हो सकता है इस फंक्शन में? नहीं, वो फॉर्मेट प्रिंटर से होगा ना फिर आपका। अच्छा हाँ फॉर्मेट प्रिंटर से होगा यार। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ठीक है ये लो एक बारी ना इसको डिलीट कर दिया मैंने, सीरियल नंबर से ले रहा हूँ मैं ये, इधर को इसको डिलीट कर देता हूँ। फॉर्मेट से कॉपी हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने कॉपी करना है, कंसोलिडेट में गया, ये तीनों को ऐड कर लिया एक एक करके जैसे पहले किया था। इसमें कोई डाउट, ऐड करने में कोई डाउट? टॉप रो टॉप कॉलम कर दिया ओके, ठीक है जी। आपके पास वो यहां से कॉपी करना चाहिए था हमें। क्लियर हो गया बेटे सबको? ठीक है, मल्टीपल डेटा, मल्टीपल शीट्स का डेटा हमने एक शीट पे कैसे लेके आना है। कंसोलिडेट करके देखते हैं, फंक्शन चेंज करते हैं, मैक्स निकालना है हर एक का ओके। आप देख सकते हो हर एक की मैक्सिमम सेल्स आ रही हैं और उनका टोटल आ गया है। क्लियर हुआ टूल सबको? डेटा कंसोलिडेशन इस बार कंसोलिडेट हुआ नहीं सही से। मतलब मैं आपको व्हाट्सएप करता हूं सर, वैसे आया हूं। यहीं करके देख लेते हैं ना, ये लगाते हैं यहां पे कंसोलिडेट मिनिमम ओके। अब देखो उसने हर एक की एचसीएल सुनीता की मिनिमम वैल्यू पिक करी, एचसीएल सुजीत की मिनिमम वैल्यू पिक करी,
राहुल की मिनिमम वैल्यू पिक करी, अनंत की मिनिमम वैल्यू पिक करी और उनका टोटल दे दिया मेरे को। आ तो रहा है गाइस, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आवाज बहुत कम है। ये जो आपने मतलब ये जो फॉर्मेट कॉपी कर लेंगे तो ये जो है उसका यही फायदा हुआ ना कि जब हम मेन शीट्स में चेंजेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। नहीं, वो फॉर्मेट नहीं होता, वो लिंकिंग होती है। पेज स्पेशल में लिंकिंग भी करते थे हम। यस, वो लिंकिंग अलग से करनी पड़ेगी ना आपको। ये तो सिर्फ ये कर रहा है कि इन डेटा का, अब इसने क्या करा, इस डेटा के अंदर से मिनिमम वैल्यूज पिक करनी शुरू कर दी जो चाहिए थी और उनका टोटल मुझे यहाँ लाके दे दिया। दोबारा मिनिमम वाला बताओगे प्लीज? ये कर दिया आपके सामने, मिनिमम ही पड़ा हुआ। आप देखो HCL स्मिता की तीनों में से मिनिमम वैल्यू देखो। HCL स्मिता यहाँ 55 है, यहाँ पे HCL स्मिता 14 है और यहाँ पे स्मिता की है ही नहीं वैल्यू। तो 55 और 14 में से 14 आनी चाहिए वहां पे। ये देखो 14 आई हुई ना HCL स्मिता में। ओके सर। हाँ जी, कोई डाउट किसी को बेटे? अभी बच्चे ये सारे ना टूल्स हैं, आप ना इसको फिक्स करके मत चलो कि यही काम करेगा। अब आपसे कोई बोल देता है कि 15 शीटों के ऊपर से हर एक वैल्यू का मिनिमम निकाल के ऐड करो, तो वो चीज हमें आनी चाहिए ना। कैसे करनी है? मिनिमम की जगह मैक्सिमम भी बोल सकता है, मैक्सिमम की जगह एवरेज भी बोल सकता है अगला। बेटे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 2007 में नहीं होंगे शायद फीचर्स, वो तो बहुत पुराना वर्जन हो गया यार। उसमें तो एसर और एप्पल और ये आईबीएम के। क्या हो गया? ब्लैंक शो कर रहे हैं एसर एप्पल और आईबीएम के। एसर एप्पल है इसमें? मेरे को इसमें एसर नहीं दिख रहा इसमें मुझे। ये इसमें भी एसर नहीं दिखा मुझे, इसमें भी एसर नहीं दिखा। आप में एसर आ रहा है कहीं? क्या बताऊं अब सर, वो मिनिमम मैक्सिमम कहाँ पे आया था सर? यार ये आ तो गया है यार, सिंपल सा टूल है। मेरे को इसमें चीज बताओ क्या इसमें गड़बड़ आ रही है, रॉकेट साइंस है बताओ। यहाँ से हमने क्या करा है, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे हम गए, मैंने कंसोलिडेट करना है डेटा, ठीक है जी। कंसोलिडेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, कंसोलिडेट में जाऊंगा वहां पे वो, इसको देखो यहाँ से आप जो चीज चाहते हो वो कर लो, आप यहाँ से आप जो चीज चाहते हो वो कर लो, ठीक है? ठीक है जी। मैंने मैक्सिमम वैल्यूज पिक करनी है, मैक्सिमम वैल्यूज के बाद वो सारा डेटा सिलेक्ट कर लिया। अब ओके जब मैं कर रहा हूँ तो आप देखो वो HCL स्मिता की मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है मुझे। HCL स्मिता उसने करा क्या होगा बैक एंड पे, उसने जाके शीट वन पे चेक किया होगा HCL स्मिता की वैल्यू 55, फिर शीट टू पे जाके चेक करी होगी HCL स्मिता की वैल्यू 14, फिर शीट थ्री पे जाके चेक करी होगी HCL स्मिता की वैल्यू। यहाँ पे HCL स्मिता आई नहीं रहा तो इसका मतलब जीरो होगी वैल्यू, ये है ही नहीं वैल्यू। तो दो वैल्यूज रही उसके पास 55 एंड 14। यस नो? यस सर। तो 55 और 14 में से मैक्सिमम वैल्यू उसने रिटर्न कर दिया हमें। अब देखते हैं HCL स्मिता पे 55 आना चाहिए, ये देखो आ रहा है कि नहीं? जी सर, हो गया। ठीक है, अब इसमें अगर मैं एवरेज करता हूँ तो देखते हैं क्या बनता है। कंसोलिडेट यहाँ पे एवरेज करके देखते हैं। एवरेज मेरे हिसाब से क्या करेगा, दोनों वैल्यूज को एड करके ये देखो HCL स्मिता की कितनी आ गई वैल्यू, 35 आ गई, एवरेज कर दी ना उसने। बेटे क्लियर हुआ सबको? जी सर, जी सर, यस सर। एक ग्रुप में फोटो आई है कुछ, क्या हो गया ये भाई? एक बच्चे के पास एसर वगैरह लिखा आ रहा है, एसर तोशीबा। भाई शीट सेम नहीं खुली हुई क्या जो मैंने भेजी है? अभिषेक चेक करो,
सर वही शीट है जो आपने भेजी, सर जो आपने शीट भेजी उसमें एसर है, लेकिन जो आप हम शीट चेंज वगैरह कर रहे हैं तो वो एसर शो नहीं करता। पता नहीं यार, होना तो नहीं चाहिए, एसर इसमें दिख तो रहा नहीं है मुझे। सर आपके वाला वर्जन नया वाला है ना, उसमें शायद वो जो ब्लैंक हैं उनको बता नहीं रहा होगा। सर उसमें है, समरी में है सर, वो कॉपी करी हुई है सर, वो उसमें नहीं है, 10 11 12 में थोड़ी है, वो शीट में नहीं है सर, वो तो समरी का सिर्फ समरी में। यार ये तो डिलीट कर दिया था मैंने, वही सर उसका तो फॉर्मेट ही चाहिए था। हां फॉर्मेट ही चाहिए था, क्लियर होगा ना, अगर आप फॉर्मेट में भी लेके जा रहे हो तब भी नहीं मिलेगा वो। हाँ जी, डेटा कंसोलिडेशन क्लियर हुआ बेटे सबको, सेकंड टूल जो हमारे काम का है। जी सर। अब लिखो 3D फॉर्मूला, 3D फॉर्मूला ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, काम कई जगह आएगा आपके। 3D फॉर्मूला की शीट खोलो, 3D फॉर्मूला सर वो कौन सी शीट है? एम्प्लॉय परफॉर्मेंस 3D फॉर्मूला, आकाश नहीं उसमें नाम आता गया था ना ऊपर तभी। आज फिर आ रही है वो, एस्ट्रॉइड गिर रहे हैं इंडिया में? नहीं सर निकल गया सर, रात को ही आ गई थी, निकल गया वो क्रॉस हो गया सर वो तो कल, कितने पहले रात को 1 मिलियन किलोमीटर जो भी था वो, कितने पास था ना क्या पता सर, किसने पकड़ लिया होता फिर। चलो ठीक है जी, पता लगा कोरोना के साथ साथ उसको भी डील करना पड़ गया। मोदी ने कहना ये गलत बात है, मैं नहीं बनता प्राइम मिनिस्टर, सब कुछ मेरे टाइम पे ही हो रहा है। ओके जी, अब देखो डेटा ये सॉरी हमारा 3D फॉर्मूला। अब 3D फॉर्मूला क्या होएगा, बहुत बार ना जहाँ पे समरी होगा, समरी वाली चीज को ना पहले इरेज कर लो, ये समरी वाली चीज को इरेज कर लो आप पहले पूरी, ऐसे समरी वाली शीट में सिर्फ एम्प्लॉय नेम रहने देना, बाकी डिलीट कर दो उठा के। ऋषि कपूर उसके दादा ने डाला था, रणधीर कपूर ने। क्यों डेथ हो गई सर? ओहो हो भाई, अब तो ये 2020 समय नहीं आ रहा कहाँ जा रहा है। कल तो इमरान खान चले गए, जैसे समरी शीट बनानी है। अब आपको जैसे अमरजीत सिंह है उसकी टोटल सेल्स निकालनी है, एवरेज सेल्स निकालनी है, मैक्सिमम सेल निकालनी है, मिनिमम सेल निकालनी है, यानी कि आपके पास यहाँ पे डेटा दे रखा है अमरजीत का, जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का एंड सो ऑन दे रखा है, ठीक है जी, ये सारा डेटा दे रखा है। इस फीचर की एक नेगेटिव बात क्या है, जैसे अमरजीत सिंह आपके जो मेन शीट है उसमें कहाँ पे है, पहले नंबर पे है, बोलो भाई मेन शीट में पहले नंबर पे है कि नहीं है अमरजीत सिंह? यस सर। तो मेरा जो सब डेटा भी होना चाहिए उसमें भी अमरजीत सिंह जो है वो फर्स्ट नंबर पे होना चाहिए, ये प्लेस टू प्लेस ही करेगा कॉपी, प्लेस टू प्लेस ही करेगा कॉपी, ये प्लेस टू प्लेस ही कॉपी करेगा ये। सर एक बार दोबारा बताना, एक बार तीनों चारों पांच शीटें देख लो पहले अच्छे से, देख लो अच्छे से। हाँ जी देख ली बेटे शीट्स, एक में आपको एम्प्लॉय की टोटल सेल्स बता रखी हैं, ठीक है सारों में। अब आप देखो जो मेरी मेन शीट है उसमें अमरजीत सिंह फर्स्ट प्लेस पे है, तो मेरी सब शीट्स में भी ठीक है जी अमरजीत सिंह फर्स्ट प्लेस पे ही है, एम आई क्लियर? ठीक है, सचिन कुमार शर्मा जो है वो सेकंड नंबर पे है, तो सब में सेकंड नंबर पे ही है, तो ये प्लेस टू प्लेस सेम होना जरूरी है, नहीं होगा तो एरर आ जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा डेटा हमारा, एम आई क्लियर? जी सर। अब 3D फॉर्मूला क्या है, अगर मैंने यहाँ पे सम निकालना हूँ
इक्वल टू मैं क्या करूंगा यहाँ पे टोटल सेल्स के लिए सम करूंगा, सम करूंगा, हाँ ना? यस सर। अब पहली शीट कौन सी है आपकी? जनवरी। शिफ्ट दबा के जनवरी प्रेस करो, शिफ्ट दबा के जनवरी प्रेस करो। और फिर लास्ट शीट कौन सी है? दिसंबर। शिफ्ट दबा के दिसंबर प्रेस करो। पता लग गया? इक्वल टू सम ब्रैकेट के अंदर पहले आपने जनवरी करना है और जिस ऑर्डर में आप जाना चाहते हो एक एक करके कर लो सिलेक्ट, कंट्रोल दबा के या शिफ्ट दबा के ए टू जेड शिफ्ट कर लो जनवरी टू दिसंबर। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? Yes, एक बार दोबारा कर लीजिए। दोबारा देखो जी, इक्वल टू सम, हाँ ना बोला करो एक तो साथ के साथ। यस सर। यस सर। अब जनवरी को सिलेक्ट करो, ठीक है जी, ये सारे अनसिलेक्ट करने पड़ेंगे पहले, ठीक है जी। जनवरी को सिलेक्ट कर लिया हमने, जनवरी को सिलेक्ट किया शिफ्ट दबा के। अगर आप फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे करना चाहते हो तो कंट्रोल दबा के एक एक सिलेक्ट करते जाओ, नहीं तो शिफ्ट दबा के डायरेक्टली दिसंबर तक ले जाओ, शिफ्ट दबा के डायरेक्टली दिसंबर तक ले जाओ। मुझे इसमें लग रहा है कि मेरा एरर करवा दिया तुम लोगों ने, आपने कॉमा नहीं लगाया सर। कॉमा नहीं लगेगा वहां पे, तो फिर वो इक्वल टू सम, सबसे पहले शिफ्ट दबा के जनवरी और अल्टीमेटली शिफ्ट दबा के दिसंबर, ठीक है जी। तो इसने जनवरी से दिसंबर तक का डेटा सेलेक्ट कर लिया। अब जनवरी की शीट पे क्लिक करो, हमें क्या चाहिए? पहली सेल चाहिए, अमरजीत के सामने पहला सेल आ रहा है, उसको सिलेक्ट कर लो, उसको सिलेक्ट कर लो, ब्रैकेटें बंद, एंटर। ये क्या हो गया? उसे उसने जनवरी की दे दी, मुझे लग ही रहा था गड़बड़ करवाई है। जीरो। एक बार सम, ठीक है जी। यहां से हम पिक करेंगे जनवरी, शिफ्ट दबा के दिसंबर तक, जनवरी शिफ्ट दबा के दिसंबर तक, और फिर जनवरी का पहला सेल सिलेक्ट कर लिया। ये देखो टोटल सेल्स आ गई। अब अगर मैं इसको ऐसे करूंगा तो वो ऑटोमेटिक सारों में अप्लाई हो जाएगा। बेटे एक बार दोबारा करके दिखा रहा हूँ, पारस समझो इसको। इक्वल टू सम, पहले यहां तक हो गया सम, यहां तक कोई डाउट? नो सर। अब जनवरी की शीट पे क्लिक करो, खुल गई जनवरी की शीट, शिफ्ट दबा के। अब शिफ्ट दबा के, नहीं शिफ्ट ना दबाओ, पहले जनवरी को ऐसी ऐसी कर लो, उसके बाद शिफ्ट दबा के दिसंबर, शिफ्ट दबा के दिसंबर। सारे वाइट हो गए होंगे नीचे वाले। और फिर अमरजीत के सामने वाला सेल जो है टोटल सेल्स का, उसको सिलेक्ट करके कॉमा कोमा कुछ नहीं लगाना, एंटर। ये फॉर्मूला बन गया, और इस फॉर्मूले को अगर आप ड्रैग करके नीचे या डबल क्लिक कर दोगे प्लस के ऊपर तो वो ऑटोमेटिक सब में कॉपी हो जाएगा। बेटे कोई डाउट? कोई डाउट? कॉमा से बिल्कुल नहीं लगेगा ना, जब जनवरी का पहला। 3D फार्मूला है, 3D फार्मूला, इंटरव्यू क्वेश्चन है WNS का, ये 3D फार्मूला क्या होता है? अब एवरेज निकालनी है तो इक्वल एवरेज, एवरेज अगेन जैन में गए, शिफ्ट दबा के जहां तक लेनी है दिसंबर, उसके बाद अमरजीत के पहले वाला सेल सिलेक्ट, बंद, एंटर। हाँ देखो एवरेज आ गई। ड्रैग करोगे मैक्सिमम के लिए कौन सा फंक्शन? इक्वल टू मैक्स, जनवरी, शिफ्ट दिसंबर, पहला सेल बंद करेंगे, एंटर। लो जी मैक्सिमम सेल आ गई। मिनिमम खुद ट्राई करो। एवरेज नेगेटिव में आ रही है। हैं? आई सेम है 28.83। बेटे तूने प्लस माइनस के साइन ना लगा रखे हो कहीं? कुछ नहीं लगाया सर। नेगेटिव तो नहीं होना चाहिए। दिव्या का नहीं हो रहा है अभी टोटल सेल्स में। बेटे दिव्या स्टेप्स को फॉलो करो ध्यान से, स्टेप्स रिपीट कर रहा हूं मैं आपके लिए टोटल सेल्स के। क्या कह रहा है? इक्वल टू सम,
अब सम के बाद जनवरी एज इट इज क्लिक कर दो, जनवरी एज इट इज क्लिक कर दो बिना शिफ्ट शूट प्रेस करे। अब जनवरी खुल गया, वाइट हो गया, जनवरी के बाद शिफ्ट प्रेस करके दिसंबर, जनवरी के बाद शिफ्ट प्रेस करके दिसंबर, डन। और फिर जनवरी वाली शीट में फर्स्ट सेल, जनवरी वाली शीट में फर्स्ट सेल अमरजीत सिंह वाला, ब्रैकेट बंद, आ गया 346। ध्यान से देखेंगे स्टेप को, मिनिमम वाला हो गया बेटे सबका, मिनिमम वाला हो गया। एक मिनट, आना एक बार प्लीज। मिनिमम वाला कैसे करेंगे? ठीक है जी, इक्वल टू मिन, जनवरी को खोल दिया, उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके दिसंबर तक, पहला सेल ब्रैकेट बंद, ये सिलेक्ट करोगे नीचे तक, हो गया। Am I clear with the concept? Yes, sir. 3D formula, WNS में पक्का क्वेश्चन है, पुश 10 नहीं है उनका ये, हर बार घिसरे पेटे क्वेश्चन यही पूछेंगे वो। और इतना चला दो कर रहे हैं। Am I clear? Yes, कोई डाउट बेटे 3D formula में किसी को? दो मिनट ये ट्राई कर रहे हैं। कर लो तान्या, बिल्कुल करो ट्राई, दो मिनट लो आप। मैं इतने पानी पी के आ रहा हूँ, ठीक है? एक बार एवरेज का दिखा दो प्लीज। तो जी एवरेज का देखो, इक्वल टू एवरेज, इक्वल टू एवरेज, ओके सर, ठीक है। अब एवरेज के बाद जनवरी में गए, जनवरी में गए, शिफ्ट प्रेस करके दिसंबर तक कर लिया, पहली वैल्यू को सिलेक्ट कर दिया, ब्रैकेटें बंद, एंटर, ठीक है। बाकी लोग ब्रेक ले लो 5-7 मिनट का, फिर स्टार्ट करते हैं आगे, फिर करूंगा एडवांस फिल्टर्स, एडवांस फिल्टर्स करवा रहा हूँ फिर। कितने बजे लगाएंगे प्लस? 7-10 o'clock मिल लेते हैं पूरे ब्रेक ले।
शुरू करते हैं 2 मिनट्स में। चलो जी शुरू करें बेटे। एक मिनट सर। अब एक नई शीट खोलो डेटा फिल्टर्स वाली। डेटा फिल्टर्स ये भी बड़े काम का टूल है आप लोगों के। करें शुरू। अब देखो डेटा फिल्टर्स क्या करते हैं। नॉर्मल फिल्टर सबको पता है ठीक है जी। लेटर से अगर हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं इसको डेटा को ठीक है जी। डेटा में जाएंगे हमारे पास एक चीज होती है फिल्टर। ये देखो सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर अब सॉर्ट क्या करता है ए टू जेड करेंगे तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ठीक है जी। दूसरा करेंगे Z टू A तो वो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ठीक है जी। सॉर्टिंग हमने डेटा सॉर्टिंग सीख ली है ठीक है। वो सारी डेटा सॉर्टिंग के अंदर आ गया अपने पास। अब यहाँ पे आता है फिल्टर। क्लिक करेंगे तो आप देखो नॉर्मल फिल्टर आ गए सबके ऊपर ठीक है जी। आप देख सकते हो फिल्टर आ गए यस नो। अब फिल्टर के अंदर भी ऑप्शन आ रही है सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सॉर्ट ठीक है जी। सॉर्ट बाय कलर ये हो गया। फिल्टर बाय कलर ठीक है जी। जैसे फिल्टर बाय कलर करते हैं हम यहाँ पे तो आप देखो सिर्फ ग्रीन वाले आ गए। फिल्टर बाय कलर करते हैं तो सिर्फ ग्रीन वाले आ गए ठीक है जी। फिल्टर बाय नो फिल तो आप देखो सारे वाइट वाले आ गए यहाँ पे। इसको देख रहे हैं सारे वाइट वाले आ गए ये हो गया। फिल्ट्रेशन करते हैं दोबारा से एक बारी यहाँ पे। इसको लिया हमने फिल्टर ये आ गया। अब फिल्टर नंबर फिल्टर्स नंबर फिल्टर्स भी कर सकते हैं इक्वल टू लेस देन ग्रेटर टू लेसर देन एंड सो ऑन अबव एवरेज बिलो एवरेज क्लियर। इधर आप देख सकते हो स्टाफ मेंबर्स में एक सर्च वाला ऑप्शन देखो। जैसे अगर मैं कहता हूँ सिंह वाला नाम है कोई तो सिंह टाइप किया तो आप देखो सिंह वाले सारे नाम आ गए मेरे पास। सिंह वाले सारे नाम आ गए। मैं कहता हूँ गुप्ता वाले नाम चेक करते हैं गुप्ता वाले नाम आ गए सारे। ए से शुरू होने वाले नाम ये देखो ए से ए स्ट्रेट किया तो सारे आ गए। ए से सारे नाम आ गए जिसमें ए आ रहा है वो आ गए। ए के बाद एस्ट्रिक्स करके देखें एक बार क्या होता है ए के बाद एस्ट्रिक्स तो आप देखो ए से सारे नाम आ गए। वाइल्ड कार्ड याद होंगे आपको ठीक है ना। अगर मैं कहूं स्टार शर्मा स्टार शर्मा तो इसका मतलब जिनके लास्ट में शर्मा आ रहा है वो आ गए देखो सारे वाइल्ड कार्ड के थ्रू। एस्ट्रिक्स क्या देता था फ्रेस और क्वेश्चन मार्क क्या कहता था कैरेक्टर कैरेक्टर
am I clear with this kind of filtration? Yeah. ये तो basic सी filtration थी, सबको clear होगी होगी. एक बार explore कर लो पूरे tool को वहाँ से, फिर उसके बाद advance करते हैं. हाँ जी, हो गया ये. अब बात करते हैं हम थोड़ी सी कंडीशनल फिल्टर्स की. ठीक है जी, फिल्टर अगर हमें करने हो एडवांस फिल्टर. अब देखो फिल्टर के साथ में एक ऑप्शन आ रहा है एडवांस फिल्टर. एडवांस फिल्टर यहाँ पे क्लिक करते हैं. पहली बात तो यहाँ से फिल्टर हटा देता हूँ मैं सारे, ये डेटा आ गया. अब लेटर से मैंने इन्हीं को फिल्टर करना है सिर्फ. कई बार कंपनी में क्या होएगा, आपको यहाँ पे दे रखे हैं 50,000 बंदों की लिस्ट है ऐसे, और स्टाफ नेम आ गए 200, स्टाफ नेम आ गए 200, तो आप ये थोड़ी करोगे फिल्टर में जाके वहां से नाम सिलेक्ट करते जाओगे. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एडवांस फिल्टर ऑप्शंस. अब एडवांस फिल्टर में हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लिया डेटा को, एडवांस ये आ गया. अब आप देखो एडवांस फिल्टर मिल गया सबको कि नहीं, एडवांस फिल्टर मिल गया सबको. ठीक है सर, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन खुल गया होगा, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस. इसका मतलब क्या, अगर यहाँ पे टिक को रखा है तो उसी जगह पे वो फिल्टर कर देगा, जहाँ ओरिजिनल डेटा पड़ा हुआ है आपका वहीं फिल्टर करके छोड़ देगा उसको. ठीक है जी, फिल्टर इसको बाद में देखते हैं. कॉपी लिस्ट रेंज, लिस्ट रेंज का मतलब क्या है, ये वाली रेंज जो मैंने सिलेक्ट कर रखी है. ठीक है जी, लिस्ट रेंज ये वाली रेंज. ठीक है जी, आ गई अपने पास. Am I clear with the list range? Yes. अब अगला कौन सा आता है अपने पास, क्राइटेरिया रेंज. क्राइटेरिया रेंज कहाँ से है, ये वाली. ध्यान रखना हेडर को साथ लेके चलना है आपने, हेडर को साथ लेके चलना है. ये हो गया क्लियर. ओके, ये देखो इसको मत देखना, इधर देखो. ये हो गया ना सिलेक्ट सारे जो अपने को चाहिए थे, इसको मत देखना, इधर देखो. क्लियर हुआ बेटे ये? जी सर. क्राइटेरिया रेंज में क्या हुआ था, किया था सर आपने? क्राइटेरिया रेंज में दोबारा देख लो एडवांस. ठीक है जी, सिलेक्शन लिस्ट रेंज में तो पूरा डेटा जिसको करना है फिल्टर वो. क्राइटेरिया रेंज में मैंने क्या किया था, जो क्राइटेरिया वाली थी हेडर के साथ. ओके ओके सर, फर्स्ट स्टेप क्लियर है बेटे सबको? और अगर ये फिल्टर क्लियर करने हैं तो ऊपर क्लियर बटन है, यहाँ पे फिल्टर क्लियर करने हैं तो क्लियर बटन है ऊपर. जी सर. सर बाकी से भी ट्राई करना क्या है, ये जो अभी कर रहे हैं एक बारी सबको कर लेने दो. हाँ जी, क्लियर होगा सबको ये वाला फिल्टर पहले वाला? यस सर. अब आप एक चीज देखो, हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते थे, एंड और
एंड और एंड में हम क्या चाहते थे कि दोनों कंडीशंस या तीनों कंडीशंस एक साथ ऑबे हों, हाँ है ना, हाँ है ना जी सर। और दूसरे और में क्या होता था कि दोनों में से कोई एक कंडीशन ऑबे हो जाए या दोनों हो जाए, यही होता था। अगर मैंने इसी डेटा के अंदर मैंने वो बंदे निकालने हैं जो 30 साल से ज्यादा हों और 40 से कम हों, 30 साल या 30 साल से ज्यादा हों, 40 या 40 से कम हों, तो उसमें एंड लगेगा कि और लगेगा? एंड लगेगा, और लगेगा, एंड लगेगा कि और लगेगा? इंग्लिश का एंड और इंग्लिश का और हो रहा है यहाँ पे। सर एक बार अपनी स्टेटमेंट रिपीट करना प्लीज। अगर मुझे डेटा निकालना है कि 30 या 30 से ज्यादा की एज हो बंदे की और 40 और 40 से कम हो, सर एंड लगेगा, एंड लगेगा ना, क्योंकि 30 एंड 30 से ज्यादा एंड 40 एंड 40 से कम। यस सर। तो जब भी आप डेटा की सिलेक्शन करते हो ऐसे, जो क्राइटेरिया रेंज आप दे रहे हो ना, अगर आप क्राइटेरिया रेंज दे रहे हो ऐसे वर्टिकली, तो वो इम्प्लीमेंट करेगा और का लॉजिक, इम्प्लीमेंट करेगा और का लॉजिक। Okay. और अगर आप सिलेक्ट करते हो ऐसे हॉरिजॉन्टली, अगर आप सिलेक्ट करते हो हॉरिजॉन्टली, तो वहां पे वो एंड का लॉजिक इंप्लीमेंट कर देगा। ये बात क्लियर हुई सबको? इंटरव्यू क्वेश्चन है फिर से ये कि अगर आप डेटा को सिलेक्ट करते हो डाउनवर्ड्स तो इट विल इंप्लीमेंट द लॉजिक ऑफ और अगर आप इंप्लीमेंट करते हो डेटा को, ठीक है जी, ऐसे, तो वो क्या देगा आपको? एंड का लॉजिक। तो यहाँ पे मुझे फिर से क्या करना है, फिल्टर लगाना है, एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर में वही, अब लिस्ट रेंज कौन सी लिस्ट है मेरी, ये वाली लिस्ट, ठीक है। अब क्राइटेरिया रेंज मुझे क्या चाहिए, 30 या 30 से ज्यादा और दूसरे में उससे कम, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा ऐसे, ये कर दिया मैंने क्राइटेरिया रेंज। यस नो? यस सर। यस सर। ये सारे वो लोग आ गए जो 30 या 30 40 के बीच में है, 40 भी आ गया, 30 भी आ गया इसके अंदर। Am I clear with this thing? Yes, sir. Right, पर रिपीट कर दो। कहां से नहीं समझ आया? एंड और का लॉजिक्स पता लग गया? Yes, sir. ठीक है, अब यहाँ पे हमने वही किया, फिल्ट्रेशन एडवांस, डेटा को सिलेक्ट कर लिया जो चाहिए हमें, क्राइटेरिया रेंज में हॉरिजॉन्टली सिलेक्ट नहीं कर रहा, हेडर के साथ में क्या सिलेक्ट कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टली, और फिर ओके। ओके ठीक है जी। जो जो कंडीशन और लगाना होता तो फिर हम दोनों करते, ठीक है। जैसे आप देखो इधर, अब इसमें एक चीज और देखते हैं, मुझे चाहिए जिनका नाम क्या हो, जिनके नाम में सिंह आ रहा हो, शर्मा आ रहा हो, गुप्ता आ रहा हो, तो मैंने क्या करा, वाइल्ड कार्ड लगा दिया आगे पीछे एस्ट्रिक्स वाले, बोलो। यस सर। ठीक है जी, वाइल्ड कार्ड लगा दें एस्ट्रिक्स वाले, ये देखो ये लगा दिए, तो फिर से एडवांस, ठीक है, ये सिलेक्ट हो ही रखी है रेंज पूरी, क्राइटेरिया, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया नीचे हमने, बोलो क्लियर। ठीक है जी, ओके जी सर। आप देख सकते हो अब यहाँ पे जिनके नाम में सिंह शर्मा आ रहे होंगे वो आगे होंगे सारे, वाइल्ड कार्ड्स का पता लग गया सिस्टम। यस सर।
एक बार देखो इम्प्लीमेंट करके। सर एक बार एंड और का रिपीट कर दोगे? और अगर है बेटे वो नीचे की तरफ जाएगा, अगर और कुछ भी करना है हमने और के लिए, तो हम डेटा को लिखेंगे फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया डाउनवर्ड्स लिखेंगे। अगर हमने एंड के लॉजिक में करना है तो हम ऐसे लिखेंगे। जैसे अब ये वाला सिलेक्ट करके देखते हैं हम एडवांस फिल्टर, ठीक है जी। यहाँ पे गए एडवांस फिल्टर, ठीक है, डेटा सिलेक्ट हो रखा है मेरा। अब क्राइटीरिया, जब मैं इस क्राइटीरिया को सिलेक्ट करूंगा तो वो क्या करेगा, वो बंदे देगा जो 30 या 30 से ऊपर हैं, फिर 40 या 40 से नीचे हैं, और जिनके अंदर स्टार्टिंग का अल्फाबेट है ए उनके नाम का, उसके बाद कुछ आ रहा है, फिर शर्मा आ रहा है, और शर्मा के बाद भी कुछ आ रहा है। देखें तो आप देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है ना विद ए ओनली, स्टार्टिंग विद ए, और उनके नाम में शर्मा भी आ रहा है, आगे पीछे कुछ और भी आ सकता है, और उनकी एज क्या है 38 से 37 के बी उसमें। थैंक यू सर। साइमल्टेनियसली अब ये करवानी है तो ये वाली कंडीशन होनी चाहिए, ये वाली, ठीक है। अगर आपने कोई भी एक करवानी है तो ऐसे। यस सर। बेटे क्लियर हुआ सबको ये एंड और का लॉजिक एडवांस फिल्टर में? बेटे किसी का नहीं आया वो आंसर, नहीं बन रहे हो क्राइटीरियास, चैट वाले लोग हो गया सर? हो गया जी। चलो अब थोड़ा सा एम्प्लॉय शीट पे देखते हैं, अगली शीट खोलो जरा इसी के अंदर, एम्प्लॉय शीट, एम्प्लॉय शीट। अब लेट अस सी, यहाँ पे हमारे पास ना एक चीज है जैसे डेजिग्नेशंस। अब अगर मैं देखूं उसमें डेजिग्नेशंस में सीईओ, वाइस प्रेसिडेंट, एवीपी, प्रोजेक्ट लीडर, प्रोजेक्ट मैनेजर, मॉड्यूल, मॉड्यूल, वाइस प्रेसिडेंट। अब देखो वाइस प्रेसिडेंट रिपीट होना स्टार्ट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट रिपीट होना स्टार्ट हो गया कि नहीं? जी सर। यस सर। अगर मुझे इनमें से यूनिक लोग कॉपी करने हैं, यूनिक लोग कॉपी करने हो, तो मैं कैसे करूंगा? सबसे पहले वही एडवांस। अब एडवांस के अंदर कॉपी टू अनदर लोकेशन भी यही सीख लेते हैं, हम किसी और लोकेशन पर ले जाके कॉपी करना चाहेंगे, ठीक है जी। अब लिस्ट रेंज, देखो इसमें लिस्ट रेंज क्या आएगी आपकी, जिसको आप सिलेक्ट कर रहे हो। जैसे मैं सिर्फ डेजिग्नेशन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, डेजिग्नेशन को सिलेक्ट किया सिर्फ मैंने, तो उसकी लिस्ट रेंज आ गई, हाँ है ना, बोलो क्लियर है जी। क्राइटेरिया रेंज इसमें एम्प्टी रहेगी हमेशा, क्राइटेरिया रेंज हमेशा एम्प्टी रहेगी। अब कॉपी टू, कॉपी कहाँ करना है, यहाँ कॉपी करना है, जिस कॉलम में कॉपी करना है उसको सिलेक्ट कर दें। एम आई क्लियर? यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली, यूनिक क्या करेगा, जहां डुप्लीकेसी हो रखी है ना उनमें से एक को ही कॉपी करेगा। ओके, क्या हो गया, रेफरेंस सेल इज नॉट वैलिड। ओहो एक मिनट, यहाँ गलती कर दी, कॉलम नहीं लेना था, जिस सेल में डालना है, ये सेल आ गया, ठीक है जी। ओके करके देखें, ये लो हो गया कॉपी। आप देख सकते हो सारे लोग एक एक बार ही आ रहे होंगे इसमें, डुप्लीकेसी हटा दी इसने। एम आई क्लियर विद दिस थिंग? यस सर। करके देखो,
डन सर। चेक करो एक बारी और सीखते हैं फिर इसमें। ओके इशमन, हमने क्या किया बेटा यहाँ पे, पहली बात तो इसको यहाँ कॉपी कर रहा हूँ इस बारी ना, मैंने डेजिग्नेशन देख के उसमें डुप्लीकेट सी है, तो मैंने क्या किया फिल्टर लगाने के लिए एडवांस फिल्टर कॉपी टू अनदर इक्वेशन, कॉपी टू अनदर लोकेशन क्या करेगा उस लोकेशन पे जाके कॉपी कर देगा डेजिग्नेशन। अब लिस्ट रेंज क्या है, आप एक कॉलम भी ले सकते हो, जैसे मैंने ये कॉलम ले लिया डेजिग्नेशन वाला, क्राइटेरिया रेंज एम्प्टी रहेगी, क्राइटेरिया रेंज एम्प्टी रहेगी। कॉपी टू, अब कॉपी कहाँ करना है, हमने जहाँ पे देना है उसका सेल सिलेक्ट कर लो पहला, जैसे एच के अंदर करना है हमने सिलेक्ट कर लिया। अब यूनिक रॉड करूंगा तो क्या होगा, सिर्फ यूनिक वैल्यू, जहाँ डुप्लीकेसी है वो खत्म कर देगा। ओके ये देख सकते हो बन गया आपके पास, अब क्लियर है, अब क्लियर है, ठीक है जी। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत काम की हैं अपने। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास लेटर से, अगर मुझे कोई फॉर्मूला के बेस पे करना हो, मुझे कोई फॉर्मूला के बेस पे करना हो तो हम कैसे करेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें कि मुझे वो रिकॉर्ड चाहिए जिन बंदों का, ठीक है जी, ज्वाइनिंग डेट और डेट ऑफ बर्थ सेम मंथ में आए, ज्वाइनिंग डेट और डेट ऑफ बर्थ सेम मंथ में आए, ज्वाइनिंग डेट और डेट ऑफ बर्थ सेम नंबर में आए, ठीक है जी, फॉर्मूला के बेस पे। अब आप देखो हमें मंथ अगर कंपेयर करने हैं तो मंथ निकालने का, किसी डेट में से मंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, किसी मंथ किसी डेट में से मंथ निकालने का फॉर्मूला कौन सा फंक्शन यूज करते थे हम, कौन सा फंक्शन यूज करते थे बताओ भाई। सो इज इक्वल टू मंथ, इज इक्वल टू मंथ, बिल्कुल बात सही है, फॉर्मूले बिल्कुल याद नहीं है तुम लोगों को। इज इक्वल टू मंथ अगर करेंगे, मंथ अगर मैं इसका करता हूँ सिलेक्ट करके एंटर करके देखे, आ गया छवा महीना, जून छवा महीना होता है कि नहीं होता है, यस सर, ठीक है। तो इसका मतलब इसका मंथ और इसका मंथ दोनों का इक्वल होना चाहिए, यस नो, इसका मंथ और इसका मंथ इक्वल होना चाहिए, यस सर। तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं इफ, इफ क्यों लगा रहे हैं, ताकि चेक हो सके ट्रू और फॉल्स में वैल्यू आ पाए अपने पास, इफ, ठीक है जी। पहला क्या आएगा, मंथ, इफ मंथ ऑफ दिस इज इक्वल टू मंथ ऑफ दिस, यस सर, सो मंथ ऑफ दिस, यस सर, ये आ गया, ठीक है। अब आप देखें जरा क्या बनता है, एंटर, ओहो क्या हुआ यहाँ पे, इफ मंथ दो सर, दो लग गए है ना, ये हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाए, ट्रू सर, ट्रू, ठीक है जी, टी आर यू ई, ये ट्रू हो गया, एल्स क्या आ जाए, फॉल्स, फॉल्स, देखिए अब ये देखो फॉल्स आ रहा है कि नहीं आ रहा, यस सर, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं पूरे के अंदर, ड्रैग करोगे सर तो हो जाएगा, ड्रैग करो सारे में, आप देख सकते हो कहीं पे ट्रू आ रहा है इसके अंदर, ये देखो बीच में ट्रू आ रहा है ना, यहाँ देख सकते हैं वो नवंबर और ये, यस नो, एक बार दोबारा बताना करके, क्या बताऊं इसमें, फॉर्मूले खुद यूज करो, इफ, ठीक है जी, इफ दोनों के मंथ अगर इक्वल है, कंपेयर करने के लिए, दोनों के मंथ अगर इक्वल है तभी वो हमने देगा ना, क्योंकि हमने फिल्टर क्या लगाना है इस बारी कि दोनों का अगर ज्वाइनिंग मंथ और बर्थडे मंथ सेम है तो उसका नाम वो मुझे दे दे, फिल्टर मेरा ये हो गया ना। तो अब यहाँ पे ये हो गया,
कॉमा ट्रू कॉमा फॉल्स, ये आ गया, बोलो क्लियर है भी ये? ठीक है, अब देखो ये हमारी कंडीशन बन गई, ये हमारी कंडीशन बन गई, बेसिकली हमने पहले में से देखा ये कंडीशन बन गई, तो जहां जहां पे ट्रू होगी ये कंडीशन वहां वहां के नाम आने चाहिए मेरे पास, जहां जहां ट्रू होगा वहां वहां के नाम आने चाहिए, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे एंड भी लगा सकते हो बेटे, एंड नहीं लगेगा, एंड में दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएंगी ना, एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी लगेगा ना आकांक्षा। तो अब यहाँ पे मैंने क्राइटेरिया क्या लगाना है, ये अब करेंगे क्या, यहाँ पे गए हम एडवांस फिल्टर, एडवांस फिल्टर में हमें क्या करना है, सारा डेटा सिलेक्ट करना होगा इस बारी, ये सारा डेटा सिलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है जी। अब क्राइटेरिया रेंज पे जाएं वापस, क्राइटेरिया रेंज पे, अब देखो क्राइटेरिया रेंज में इसका हेडर नहीं डालना, हमने हेडर नहीं डालना, पहले दो सेल सिलेक्ट कर लिए, ओहो गलती कर दी अपन ने, ये आ रहा है, क्राइटेरिया रेंज में गए, ये सिलेक्ट कर दिया, बात समझ आई, हेडर क्वेश्चन डाला हुआ तब भी आपने ऊपर से सिलेक्ट करना है, ओके। अबे एरर आ गया सर, वहां वो हो गया था सिलेक्ट नहीं हुआ, जो आपने पूरा डेटा लिया था ना वो गलत आ गया था, ये आया आपके पास हेडर से, कंट्रोल शिफ्ट राइट डाउन कर दो सर, उससे भी आया था, ये हो गया अपने पास। अब क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज देखेंगे इसकी, ठीक है, क्राइटेरिया रेंज में बिना हेडर के भी ऊपर से सिलेक्ट करेंगे, अब देखें ओके, ये देखो आपके जितने बंदे यहाँ पे आ रहे हैं उन सबका मंथ दोनों का सेम है, मंथ दोनों का सेम आ रहा है, एक बार इंप्लीमेंट करके देखो बेटा ये चीज, सर ये डायरेक्ट है, मतलब इसमें इफ वाला वो फॉर्मूला नहीं लगा, फॉर्मूला पहले लगा दिया ना हमने, क्राइटेरिया जो भी मेंशन करना था सेट करके इसको सिलेक्ट करके, हाँ हमने वो डब्बा अलग से बनाना पड़ेगा, क्राइटेरिया रेंज हमेशा अलग से बनेगी हमारी, क्राइटेरिया रेंज के लिए फॉर्मूला भी हो गया, डायरेक्ट भी हो गया, वाइल्ड कार्ड्स भी हो गए, अलग अलग तरीके से जो हमने सीखा हुआ, एक ब्लैंक होगा और एक में फॉर्मूला होगा, क्या बोल रहे हो संदीप, एक ब्लैंक होगा और एक में फंक्शन, मतलब जो हमने वो हेडर आपने देने दे दो वहां पे, हेडर देना कुछ दे दो, मैंने लिखा नहीं था हेडर, जैसे यहाँ डेजिग्नेशन कह रहा था ना वो, हाँ जी सर, ठीक है वैसे देना दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके सर। अब आप बोलो आकाश क्या कह रहे थे, सर मैं कह रहा था जब मैं उसको नीचे कॉपी कर रहा था वो सारे फॉल्स ही दिखा रहा है, उसमें कोई ट्रू दिखा नहीं, बीच में होंगे ट्रू कहीं कहीं, आप तो हो रहे हैं सर, होगा बीच में कुछ ट्रू, एक बार आप फॉर्मूले पे क्लिक करेंगे दोबारा, वो कहां गया फॉर्मूला, सब बैक शीट में क्लियर करना पड़ेगा, एक मिनट रुको, कंट्रोल जेड कर दो सर, क्लियर करके जाएंगे, लो जी फॉर्मूला देख लो सर, मैं आपको दिखा देता हूं, कई जगह ट्रू दिखेगा आपको, अभी ये नीचे जाओ, ये देखो ये आ रहा है ट्रू, सर मैंने ट्रू फॉल्स ना इनवर्टेड कॉमास में लिखा था शायद, नहीं फिर वो गलत लिखा है ना, उस दिन भी हम यही गलती कर रहे थे, वही गलती है, एक्सक्यूज मी सर, सर मेरा ट्रू फॉल्स तो दिखा रहा है लेकिन मंथ सेम नहीं दिखा रहा, वो सेम मतलब सर जैसे आपने बताया ना कि जॉइनिंग और जो उसकी बर्थडे डेट होगी उसका मंथ दोनों का सेम होना चाहिए, तो मेरा सर उसमें अलग दिखा रहा है सर, अलग जिसमें अलग होगा बेटा उसमें अलग ही दिखाएगा, पर सर ट्रू शो कर रहा है ना तब भी वो, नहीं यार फॉर्मूला चेक करो, ये लगा रखा स्क्रीन पे देखो फॉर्मूला, सर इनवर्टेड कॉमा लगा रखे हैं ट्रू और फॉल्स के, नहीं वो नहीं लगाना बेटे, ओके सर वो गलती नहीं करनी हमने, इनवर्टेड कॉमा तो सर वो पर्टिकुलर हो जाएगा ना, हां पर्टिकुलर हो जाता है बिल्कुल सही, वो फॉर्मेटेड टेक्स्ट दे देगा आपको, यस सर, ये ट्रू और फॉल्स जो हम बिना इनवर्टेड कॉमास के लगते हैं वो फॉर्मूला के रियल वैल्यूज को क्राइटेरिया सेट करता है सर, वो तो जो इन्वर्टेड कॉमास में ट्रू दे रहे हो तो वो प्री डिफाइंड टेक्स्ट हो गया आपका, एक करेक्टर हो गया, हाँ जी बेटे हो गया ये,
जी सर। चलो ये वाला क्राइटेरिया क्लियर हो गया हमारा, ठीक है। अब और क्या कर सकते हैं, अगर मैं कहूं कि एक और क्राइटेरिया लगा देता हूं यहाँ पे मैं, कि अपने को चाहिए क्राइटेरिया जिसमें डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ, डे ऑफ बर्थ भी सेम हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे? ज्वाइनिंग डे और डेट ऑफ बर्थ। हाँ जी, डे ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ सेम हो, इज इक्वल टू डे। अब उस केस में क्या आएगा? इज इक्वल टू डे, इज इक्वल टू डे सर। और सिलेक्ट करेंगे एक सेल उसका। अब फॉर्मूला क्या लगेगा, एंड का कि इफ का? सर अब एंड का लगेगा। एंड का लगेगा ना, क्योंकि हमें दोनों क्राइटेरिया चाहिए, दोनों के चाहिए सर। एंड ठीक है जी, लॉजिकल टेस्ट वन क्यों आएगा, क्या आएगा लॉजिकल टेस्ट वन? डे मंथ या डे लगा लेते हैं पहले, डे, डे ऑफ दिस, डे ऑफ दिस इज इक्वल टू डे ऑफ दिस बर्थडे। सो बर्थडे डे, एक मिनट रुको, टैब डे, टैब, ये हो गया आपका दिस, ये पहली कंडीशन होगी, दोनों का डे इक्वल करेगा वो। सेकंड ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या चाहिए, मंथ, मंथ ऑफ दिस इज इक्वल्स टू मंथ ऑफ दिस। आप देखें यहाँ पे ट्रू फॉल्स क्या करता है वो, ठीक है दोनों हो गए, ये देखो फॉल्स आ रहा है कि नहीं आ रहा, फॉल्स आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि डे और मंथ मैच नहीं कर करके कंट्रोल वी कर देते इधर, ये हमने फॉर्मूला, चलो कोई ना, ओके जी ये हो गया। अब देखो जहां जहां ट्रू आएगा देखते हैं कहीं ट्रू आ रहा है, कहीं पे भी ट्रू नहीं आ रहा अपने पास, ये सर एंड वाले केस में कहीं ट्रू नहीं आ रहा। सर क्रॉस चेक करने के लिए आप एक जगह सेम कर लो, फिर देख लेते हैं फॉर्मूला का, ये कर लेते हैं, ऐसे करते हैं इसको हम यहाँ पे 1st June 2000 और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देते हैं। लो जी ये ट्रू आ रहा है अपने पास यहाँ पे, यस सर, ठीक है यहाँ पे ट्रू हो गया, ठीक है। लेकिन अगर इसमें ईयर भी चेंज होगा तो भी कोई चक्कर नहीं है ना सर, क्योंकि हमने डे और मंथ को ही किया है कंपेयर, हमने थोड़ा सा नीचे होके आ रहा है फॉर्मूला मेरे पास सर, वो ऊपर नहीं हुआ, ठीक है जी। यहाँ पे भी एक बार कर लेते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये देखो थोड़ा नीचे होके आ रहा है, कॉपी पेस्ट नीचे से हुआ है ये, तो ये पहले देखो पहले दो में सेम आ रहा है, तो फिर से इसमें हम कर सकते हैं एडवांस, एडवांस के बाद सारा सेल सेलेक्ट कर लिया। अब क्राइटेरिया रेंज क्यों आएगी मेरी, क्राइटेरिया रेंज वही है जी, इस बार ऊपर से यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया मैंने, ओके ठीक है। ये क्या हुआ, वही होगा सर, उसने करा नहीं चेंज कुछ भी, वो फॉर्मूले की ही दिक्कत है यहाँ से। सर इसको क्लियर कर लो, ऊपर वाले सेल से ले लो, यहाँ से चेक कर लेते हैं इसको, इक्वल टू एंड, फिर आ रहा है डे, डे ऑफ दिस इज इक्वल टू डे बर्थडे, डे इज इक्वल टू डे ऑफ बर्थडे वाला बर्थडे, पहला कंडीशन कॉमा, दूसरा कंडीशन क्या है, मंथ ऑफ दिस मंथ ऑफ थ्री ट्रू आ रहा है कि नहीं, ठीक है जी सर, ये आ रहा है ट्रू अपने एडवांस, ये हो गया आपका, ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी एरर क्या है अपने पास, अगर हमने डेटा स्टेट गलत कर रखा है तो वो एरर देगा, वो लास्ट तक ले रहा है। सर इसमें लिस्ट रेंज हम वही लेंगे ना, पूरा वाला पूरा डेटा, ये आ गया। अब क्राइटेरिया रेंज वही ऊपर से, ठीक है जी वही ऊपर से नीचे तक ले ली हमने, ओके आप देख सकते हो
अब इन बंदों का ही आ रहा है जिनके आपके पास क्या आ रहे हैं, देख लो डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सेम आ रहा है ना, ईयर ऑफ बर्थ अलग अलग आ रहा है बट डे ऑफ बर्थ बिल्कुल सेम आ रहा है। आपने सर डेट और मंथ दोनों सेलेक्ट किए ना? हाँ जी, ईयर तो बेटे सेम हो नहीं सकता ना, अगर कोई 1985 में पैदा हुआ है तो वो कम से कम 20 साल बाद नौकरी करेगा। जी जी सर, ठीक है ना, चाइल्ड लेबर हो जाएगी। हाँ जी, क्लियर है भाई सबको ये? यस सर। ठीक है, फिल्ट्रेशन बहुत काम की आएगी। टॉपिक बहुत बोरिंग है सर, वैसे ही बोरिंग नहीं है यार, पता हूं क्या प्री डिफाइंड है थोड़ा सा, अभी है कि लास्ट भी आ गया है, बहुत दिन से एक्सेल ही पढ़ी जा रहे हो तो सैचुरेशन भी आ ही जाती है। कल ट्राई करूंगा, कल पूरा खत्म करने की, आधा घंटा मेरे को लगेगा डैशबोर्ड बनाने में, एक व्हाट इफ एनालिसिस रह गया, कल वो खत्म कर देना सारा। नहीं, ये कुछ ज्यादा ही है सर, बाकी तो फिर भी चल रहे थे अच्छे से। हो सकता है कई बार बोरिंग हो जाता है यार, स्टेप्स थोड़े ज्यादा है ना। ठीक है, लास्ट शीट में आप क्या कर सकते हो, लास्ट शीट में आप क्या कर सकते हो, जिनकी भैया डेट और डिलीवरी वाला चीज सेम है वैसे कर सकते हो। होगा सर, am I clear with this? वो तो सेम होगी नहीं, डे तो सेम हो सकता है, 3 जनवरी को किया है, 4 जनवरी को किया है एंड सो ऑन। ठीक है ना, डेट और डेट दोनों डेट सेम हो ऐसे करके, सेम डेट पे डिलीवर हो रहा है कि नहीं हो रहा। हाँ सर, प्राइम मेंबर पता लग जाएंगे कौन कौन है, तो वो चीज हो गई। बेटे क्लियर है सबको ये फिल्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट, और करना है कि बस करें? काफी है सर। सर बस बस करते हैं, बहुत है सर आज के लिए, बहुत है, टू मच है, टू मच तो ऐसे कह रहे हो, पता नहीं कितना करके थक गए हो। देखने का तुम्हें सर, मन नहीं गया सर, आप डर जाओगे बाल देख के, सबके ऐसे हाल हो रखे हैं, थोड़े बाल वाल ना बड़े ज्यादा ही बिखरे हो रहे हैं, कोई ना क्या करें भाई, अब बबर रहीम है, बबर रहीम, संदीप के तो अलग ही जा रहे सर बाल। हाँ बेचारे, मेघा को देखो, मेघा ऐसे बेचारे डिप्रेशन में चली गई है बिल्कुल ही, तो देख रहे हैं आप बाल देख रहे हैं मेरे, ओए होए, आकाश को देखो सर, बस सर इससे ज्यादा इससे ज्यादा वीडियो नहीं और हो सकती भाई, यहाँ देख, यहाँ देख सर, बुरा हाल है, हैंडसम एक ही बंदा लग रहा है सर प्रदीप, थैंक यू भाई, हटा रहा हूँ मैं, इन शेव ठीक है, इन शेव नहीं है भाई, वो आती नहीं दाढ़ी, बाबा रहीम है सर, करते मत वीडियो भाई, पीछे रुक जाओ एक बारी, कपिल वगैरह सारे ऑन करो, ये अब ये देखो पकड़े गए होंगे ये सारे ना, लगा के भाग गए, अच्छा आइडिया सर, पैसे खुशबू सारे ये पीयूष, हर्ष दत्ता, भानु प्रिया सर, मेरा तो है सर, हर्ष का तो ऑन है, बचाव हो गया, अच्छा हर्षा दत्त बोला होगा आपने ना, आपने हर्ष दत्त बोल दिया। ये भी फर्क है, एक बार इनको बता दो, फोटोग्राफ हो रही है इनकी, ऐसे ही पता लगा, संदीप सर तो आए नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक वैसे ही कर दी उन्होंने किसी और तरीके से, कल वो कह भी रहे थे, कहते सर डिटेन कर दो उठा के इनको, आकाश ने ये साइज ज्वाइन कर लिया सर, देखो जरा इसको, आकाश ने हाँ ये तो लग ही रहा है, जहाँ पे आप लोगों जैसे आप यू पीपल आर बिलोंगिंग टू डिफरेंट प्लेसेस, तो सारा लॉकडाउन में सिस्टम कहीं पे कोई इशू नहीं है बिल्कुल सर, हरियाणा में तो कोई दिक्कत नहीं है, चंडीगढ़ में तो गंद मच गया यार, चंडीगढ़ में तो पिछले 2-3 दिन के अंदर ना मतलब कि कैश टेकना मेहमत के राउंड सर, पंजाब में 2 हफ्ते एक्सटेंड हो गया, हाँ वो इसलिए करा ना, वो बुला लिए बंदे बाहर से, हाँ वो लगाइए 30 सेक्टर में, पार्टी वार्टी कर रहा था एक बंदा, यहाँ पे कॉलोनी है उसमें, उसने क्या कर रखा है, मैं हैरानगी की बात है, एक बंदा टेम्पररी जॉब में लगा हुआ है, 4th क्लास लेबर में है, उसने घर पे अपनी पार्टी करी बर्थडे की, यानी किस चीज की एनिवर्सरी पार्टी करी थी उसने ना, बंदे इकट्ठे करे हुक्के, छत पे हुक्के लगा रखे, और लॉकडाउन में 100 बंदा इकट्ठा कैसे हो गया सर, बापू धाम कॉलोनी थी सर, हाँ हाँ वो 100 बंदा इकट्ठे कैसे हो गया, दारू यार हुक्का रखे हुए थे ऊपर घर पे, जब उन्होंने सैनिटाइज किया है ना घर उसका, वहां पे हुक्के निकले,
छत पे से। बजर उसके बाद छुप भी गया था और पीयू के हॉस्टल में जाके छुपा। हाँ, और उसमें उसके बाद डीजे लगा रखा है और उसके ना 100 फुट की दूरी पे पुलिस स्टेशन है। क्या अभी तो नहीं खुलता लॉकडाउन, भूल जो। अरे बुलो बुलाओ मत, 21 तक तो सुनने में आएगी, हो जाना चाहिए सब सही। नहीं कुछ नहीं होगा, देखो ये कंपनी हार्वर्ड ने ना एक टेक्सटिंग दे रखी है, एक ट्रेंड कर्व है ना, इसको स्टडी कर रहे हैं वो लोग एनालिटिक्स के थ्रू। तो उन्होंने क्या कहा है कि जो लॉकडाउन उन्होंने वुहान का दिया था, दे गेव अ टेंटेटिव डेट ऑफ 20th अप्रैल, जिस तरीके से फ्लैटनिंग हुई कर्व की और वो सारा कुछ, 20th बोला था उन्होंने। तो अब 20th के आसपास ही जाके वुहान ओपन अप हुआ है। मेरा कजन चाइना में है, ही वाज टेलिंग कि वो चीज ही वहां पे 20th के आसपास लॉकडाउन खुला है। इंडिया को उन्होंने 26 जुलाई दी है डेट, 26 जुलाई के आसपास जाके कहीं ये कर्व जो है फ्लैटन अप होएगा। अभी तो ये सोचो लॉकडाउन लगा दिया तब ये हाल हो गया, 30,000-35,000 केस तब बन गए, जो बिना लॉकडाउन के लगा दिए होते करोड़ों में होते, पूरी धरती को लेकर डूब जाते। अगर यही ऑनलाइन एजुकेशन का ट्रेंड हो गया ना थोड़ा सा, तो मतलब की चीजें बिल्कुल ही चेंज हो जाएंगी ओवरऑल में। कोर्सेज वगैरह आप जितने भी देखो, जितनी तो वो ऑनलाइन डिग्रीज नहीं है, वो सारी की सारी सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं। और भी कुछ सीख रहे हो तुम लोग? सर सीख तो ही रहे, कर ना कुछ रहे यस सर, सीख ही रहे हैं। इस टाइम कोई लैंग्वेज वगैरह भी सीख रहे? डिजिटल मार्केटिंग करनी है तो यार हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस अच्छा लो उसके लिए। मैं देखता हूँ, मैं मेरी क्लास में देख रहा हूँ लगा के भागे हुए हैं सारे के सारे। सर TCS पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ऑनलाइन फ्री क्लासेस अवेलेबल वाली जो है आपकी TCS और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 68 कोर्सेज जो निकाले, वो भी पूरे कोर्सेज नहीं है हार्वर्ड वाले तो। हाँ जी, हार्वर्ड वाले कोर्सेज पूरे नहीं है, वो ध्यान से करना, वो आधे आधे कोर्सेज किसी में एक दिन किसी में दो दिन इतना करके छोड़ रखा उन्होंने। नहीं तो आप लोग एक चीज और ट्राई कर सकते हो, लेकिन प्रोग्रामिंग इंस्टिंक्ट नहीं होगा ना आप लोगों का। अगर किसी का प्रोग्रामिंग है तो वो चेक करो, इसका पाइथन के साथ एक चीज आ रही है बिग डेटा, वो भी काफी अच्छा। मशीन लर्निंग और बिग डेटा सर। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इनका स्कोप काफी ज्यादा है कमिंग टाइम में। ठीक है, और बाकी सब बढ़िया सर, आप बताओ। मैं जिंदगी चल रही है भाई, लेकिन घर बैठना बहुत औखा है। सामने देख लो, आप तो सामने हो सर, आप कहाँ हो? चलो ठीक है बेटे, नहीं मेरे को दिखना नहीं ना, मेरी फोटो डाल देते नहीं तो तुम लोग। चलो पारस इतना दुखी क्यों है भाई? कौन सा पारस सर? पारस नासा रहता ही है सर ये। नहीं नहीं, एकदम से इसकी एनर्जी भी आएगी, एकदम बोलना शुरू कर देगा कुछ ना कुछ एकदम ही आएगा सर। भाई एक बारी बोल दो उनको, बाकी बच्चों को भी कि भाई सर्जिकल स्ट्राइक होगी, आ जाओ फटाफट से। प्रेजेंट है सर? प्रेजेंट कोई नहीं है बेटे, अमीशा वगैरह, ये नेहा, मुस्कान, गोयल। कैमरे ऑन करो फिर बेटे, फोटोग्राफ होनी है। नहीं, पिक्चर लेनी है बेटे, सबकी लगानी है। देखो आप भी तो कोरोना वॉरियर्स हो सारे के सारे। प्रेजेंट सर फ्रंट लाइन नहीं है वो। सब है सर यहाँ पे? नहीं सब यहीं पे है सर, बस कोई बस बोलना नहीं चाहता, कोई दूसरों को मौका दे रहे हो आगे बढ़ने का जिंदगी में। एटीट्यूड से, एटीट्यूड। हाँ, ये देखो पीयूष गोयल जी हमारे गुल हैं, मनिंदर शर्मा जी गुल हैं हमारे। ठीक है, पायल आएगी सर, पायल अभी। पायल ने, हाँ पायल के तो आती पीछे चांटों की आवाज जानी स्टार्ट हो जाएंगी। सर मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं गया, यही हूँ। अभी ऑन करो बेटे, मेरे को ये देनी है फोटोग्राफ्स, ये लगनी है आप लोगों। प्रेजेंट हूं मैं। सिर्फ कैमरे ऑन करो सर। तो कैमरा दिखाओ, शक्ल दिखाओ। सर कैमरा खराब है मेरा सर, क्या करूं मैं बेटे? ये जैसी शक्ल है वैसी आएगी ना, शाहरुख खान जैसी। पायल को देखो आप, सोई हुई है, मूवी देख रही है। कैमरा खराब है ये ना, वो बात हो जाती है छोटे बच्चों को बोलो ना, हैंड राइटिंग क्यों खराब है, बॉल पेन से लिख रहा हूँ ना।
मतलब सर ब्लर आ गया, फिर चल आती नहीं फोटो अच्छी फिर। यार कोई टेंशन एक ब्लर लगाएंगे सर। तुम्हारे कॉलेज का होना चाहिए बंदा, बस वो ब्लर हो चाहे नॉन ब्लर हो होना चाहिए बस। भाई दो मिनट का और टाइम है, इसके आगे नहीं, मैं इतनी पेशेंस नहीं है मेरे अंदर, मैं बैठे वेट करूं। बड़ी लड़की का नाम अनुज कुमार है सर, मैं भी वही देख रहा था सर। फोटो आईना की लगी है। हाँ फोटो आईना की लगी है, नीचे अनुज कुमार आ रहा है। ये चक्कर है, मुंबई का नहीं लगी है फोटो सर। सर चार जनों के नेम आ रहे हैं सर मेरे, सर उन्होंने मेरे वो कर रखा है। ईशान को देखो सर, स्क्वायर वन दिखा रहा है पूरा। ये स्क्वायर वन में कौन है? यस सर स्क्वायर वन बैठा हूं। आप कॉलेज में ही हो? अच्छा पीछे आपने वो लगा रखा बैकड्रॉप। यस सर। ओके ओके, कॉलेज से ज्यादा प्यार है, ये होते हैं असली कॉलेज भगत। कॉलेज से नहीं सर, कैंटीन से। नहीं अच्छा कैंटीन से, कैंटीन वाली तो नहीं कोई? क्या बताऊं सर, बड़ी दिक्कत हो जाती है इस टाइम पे। यस सर, घर पे बैठे बैठे। चलो ठीक है बेटे, कल मिलते हैं, कल विल वाइंड ऑफ दिस कोर्स। अब सुन लो तुम्हारा फाइनल इवैल्यूएशन कैसे कर रहा हूं मैं होगा कैसे काम दे रहा हूं। ठीक है जी, एक शीट बनानी है अटेंडेंस शीट, इजी काम दे रहा हूं ताकि तुम इसको कॉपी पेस्ट ना करो। आज के टाइम में हर चीज मिल जाती है गूगल से, तुम्हें ही पता है। अब चीजें बना रहे हैं अटेंडेंस शीट, ट्राई टू इम्प्लीमेंट द लॉजिक। वो अटेंडेंस शीट बननी कैसे है, अटेंडेंस शीट में क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, अपनी स्क्रीन शेयर करके बता दो क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए बताओ। सर उसमें सीरियल नंबर, नेम बिल्कुल लिखो, सीरियल नंबर यहाँ पे, सीरियल नंबर, रोल नंबर, बिल्कुल सही बात है, सीरियल नंबर, फिर उसके बाद रोल नंबर, डिपार्टमेंट, नेम कहाँ जाएगा, नेम, डेट, नेम, डिपार्टमेंट, ये बन गया कॉलम आपका, इसकी फोटोग्राफ जरूर ले लेना बाद में। डिपार्टमेंट के बाद डेट्स आ जाएंगी आपकी, डेट्स चलती रहेंगी सीक्वेंस में, यस नो। अब डेट्स के नीचे डे आ जाएगा आपका, डे आ जाएगा, डे के नीचे तीन पैरामीटर्स हम ले रहे हैं, प्रेजेंट, एब्सेंट, लीव, लीव को रहने दो, लीव चलो ले लो, लीव ले लो, और लेट। एब्सेंट में क्या डिफरेंस हुआ? एब्सेंट बेटे बिना बताए छुट्टी जो आप लोग करते हो, लीव में क्या आएगा, बकायदा प्रेजेंट लगेगी। ऐसे तो हाफ डे भी आएगा। हम्म, हाफ डे भी तो बहुत ज्यादा भावुक हो गए बाप, तो बंक भी होगा। ठीक है जी, चलो ये हो गया अपने पास, मेरे को तो दिक्कत नहीं, मैं लगा देता हूँ हाफ डे यहाँ पे, आपने देखना है आप देख लो। नहीं नहीं सर कोई बात नहीं, ये हो गया। अब जहाँ पे प्रेजेंट हो ठीक है वहां पे तो व्हाइट रहे, एब्सेंट के केस में कलर हो जाए रेड, सेल का कलर हो जाए रेड, लीव के केस में येलो। सर इन्हीं चीजों में डाउट भी था, आपने करनी भी थी डिस्कस सर, ये कौन सी वाली, और आपने एक शीट भी दी थी इसके बेस पे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है तो इजी वाली, कंडीशनल फॉर्मेटिंग से होएगा ना सर, इजी इजी होगा तो इजी है, हो जाएगा। मैंने एक दो सेशन एक्स्ट्रा ले लूंगा, बट अभी के लिए सर ने बोला एक बार ही ना इसको सैटरडे को फिनिश कर दो, तो वो अपा सैटरडे सैटरडे एक्स्ट्रा लगा के ना कर लेंगे डिस्कस सारी की सारी। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सर, ये हो गया जी, सेल का कलर हो गया, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एम आई क्लियर है जी? यस ठीक है जी, चलो ये हो गया अपने पास। अब लास्ट में जाके जैसे जैसे आप करते जा रहे हो, ठीक है जी, जैसे जैसे आप करते जा रहे हो, एक चीज यहाँ पे और ऐड कर देना, ये डिप्रेशन की साइन है जो ये बंदा कर रहा है ना स्क्रीन के ऊपर, डिप्रेस्ड है बेचारा बहुत ज्यादा, ये देखो और डिप्रेशन, इसका बाहर डिप्रेशन निकलना शुरू हो गया। सर आपने अपनी स्क्रीन शेयर की है क्या? ये देखो कितनी अच्छी ड्राइंग आती है इसको, टैलेंट है ये बंदे में, ऐसा टैलेंट किसी किसी में होता है।
कहां हम कोरोना वायरस की दवाई ढूंढ रहे हैं, इन्हीं को छोड़ देते हैं उसके ऊपर। चलो जी अब ये हो गया। डे के नीचे ना यहाँ पे एक लिस्ट टॉपिक की भी बना लो, टॉपिक और कितने आवर्स की क्लास हुई है। टॉपिक में क्या करेंगे? टॉपिक में टीचर एंटर कर सकते हैं टॉपिक अपना कि मैंने आज ये पढ़ाया ये पढ़ाया ये पढ़ाया, ठीक है। आवर्स में कितने आवर्स की क्लास हुई है, 2 आवर्स 3 आवर्स 4 आवर्स, ऐसे चलता रहेगा। अब लास्ट में जाके अपने पास क्या आ जाए, एक तो टोटल आ जाए। टॉपिक डे आवर्स की तो अलग अलग कॉलम बनेंगे ना। हाँ ये कॉलम वाइज चलता रहेगा ना, जैसे कोई बंदा आज की डेट एंटर करेगा उसका डे आ जाए ऑटोमेटिकली, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पे टॉपिक, टॉपिक के बाद क्या आ जाए यहाँ पे आवर्स, 2 आवर्स की क्लास है, 1.5 आवर्स की क्लास है, ऐसे। अब यहाँ पे जाके टोटल में आपके पास टोटल आवर्स आ जाए कि कितने घंटे उसने पढ़ाया है, ठीक है जी। स्टूडेंट के टोटल प्रेजेंट डेज, टोटल एब्सेंट डेज, ठीक है जी, टोटल लीव्स आ जाए उसकी, और लेट, टोटल कितनी बार लेट आया, ये सारा डाटा आ जाए जैसे जैसे आप एंटर करते जाओगे। एम आई क्लियर? और एक चीज और आ जाए, टोटल डेज ऑफ क्लासेस, ठीक है। लेटर से अगर मैं कहूँ कि एक बच्चा है वो टोटल 3 दिन प्रेजेंट है, 1 दिन एब्सेंट है, 1 दिन की लीव है और 1 दिन लेट है, तो टोटल में यहाँ पे 6 दिन होंगे ना। Am I clear this? Am I clear with this? तीन present ये, और उसके बाद उसकी यहाँ पे आ जाए percentage of attendance, ठीक है जी, percentage of attendance, और percentage अगर 75 से कम है तो वो red हो जाए, percentage अगर 75 से कम है तो वो red हो जाए। Clear है सबको ये? Yes sir. Clear है ये? अब attendance के अंदर कौन से parameters लगेंगे, ठीक है जी, आपके टोटल प्रेजेंट वाले ही लगेंगे, टोटल प्रेजेंट वाले ही लगेंगे। जिस दिन वो लेट आ रहा है उस दिन भी उसकी अटेंडेंस मार्क नहीं हो रही है, लीव वाली भी नहीं हो रही है, एब्सेंट वाली भी नहीं हो रही है। क्लियर है जी? 75 से बिलो है तो रेड ना करो, येलो कर दो, 75 से बिलो वाले को येलो कर दो, और 65 से बिलो वाले को रेड कर दो, 65 से बिलो वाले को रेड कर दो, ताकि 10% मेडिकल के भी होते हैं ना आपके, तो उस बच्चे को हम 10% अटेंडेंस मेडिकल वाली भी दे पाए, लेकिन टोटल प्रेजेंट के ऊपर ही उसको मिले अटेंडेंस। सर टोटल प्रेजेंट के ऊपर मतलब? अगर वो 3 दिन प्रेजेंट है, 1 दिन एब्सेंट है, 1 दिन लीव पे और 1 दिन लेट है, तो लेट वाला दिन भी उसका काउंट नहीं होगा लेक्चर के अंदर। सर ये डे टॉपिक एंड आवर्स का लॉजिक बताना, ये समझ में आया? दोबारा बोलो कि सर हमने अटेंडेंस शीट बनाई है, तो अगर 10 बच्चे के हमने डेटा लिख लिया, हाँ। उसके चलो सर हर हफ्ते का प्रेजेंट आ गया, एब्सेंट आ गया, लीव आ गया, तो टॉपिक आवर्स एंड डे कहाँ पे आएंगे? वो तो सर टीचर का अलग, वो सर टीचर अलग नहीं बनना, नहीं, पूरा ही बनेगा लास्ट में बनेगा ना जाके आपका। आप यहाँ पे डेज कॉलम ऐड करते रहो, आप ऐसे भी कर सकते हो ना, सुनो एक चीज, ऐसे भी कर सकते हो कि वीकली निकालते रहो सब टोटल, वीकली सब टोटल करते रहो, उसके बाद सेकंड वीक का सब टोटल, फिर थर्ड वीक का सब टोटल। नहीं नहीं सर मैं वो बात समझ गया आपकी, तो टोटल प्रेजेंट टोटल एब्सेंट ये निकालनी है तो हर स्टूडेंट का निकल जाएगा, हर वीक हाँ। या मंथली निकल जाएगा। हाँ। बात रहेगी टॉप डे टॉपिक एंड आवर्स की। हाँ। ये तो टीचर करवा रहे हैं ना। हाँ, तो मैंने बोला तो आपको ये डेट, तो सर ये अलग शीट नहीं बननी चाहिए उसकी? नहीं बेटे, टॉप पे लिखेंगे ना, एक पूरा फ्लो चार्ट बनेगा ना, ये ऐसे बनेगा। हमने फॉर्मेट बना के दे देना ना कॉलेज को, कल को अपने आप एंट्रियां करते रहेंगे उसमें। मैं यहाँ पे आके डेट डालता हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं डालता हूँ 21 अप्रैल, मैंने 21 अप्रैल डाली यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डे आ जाएगा ना उसका। हाँ सर आ जाएगा, वो आ जाएगा। टॉपिक में मैनुअली एंटर कर दूंगा, आवर्स में मैनुअली एंटर कर दूंगा, लेकिन जब मैं मैनुअली एंटर कर रहा हूँ आवर्स, तो मेरे यहाँ पे अपने आप वो क्यूमुलेटिव होते रहे। पहले दिन 2 घंटे ही क्लास ली, अगले दिन 2 घंटे ही क्लास ली, तीसरे दिन 2 घंटे ही क्लास ली, तो वो यहाँ पे 2, 4, 6 ऑटोमेटिक आता रहे। सीरियल नंबर यहाँ आ गया, ये आ गया, डेट डिपार्टमेंट हो गया सारा। ये क्लियर हो गया बेटे सबको? जी सर। ठीक है जी। और जो ये हाईलाइटिंग होनी है ना, हाईलाइटिंग होनी है परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस की, वो नेम में भी शो हो। परसेंटेज तो आ ही रही है किसी की, 65 से नीचे आ गई, 64 आ गई, तो 64 वाली वैल्यू भी आपकी क्या हो,
ठीक है जी, 64 वाली वैल्यू भी क्या हो आपकी हाईलाइट, और उसका नाम भी हाईलाइट हो जाए, उसका नाम भी हाईलाइट हो जाए, या पूरा नाम उसका कर दो आप, पूरा उसका कॉलम जो है वो हाईलाइट कर दो उठा के. एम आई क्लियर विद दिस थिंग? जी सर. बेटे स्टूडेंट जितने मर्जी हो, ठीक है शॉलिन, जो आपका डाउट है, स्टूडेंट जितने मर्जी हो, आपने दो या तीन पे बना के दिखा देना है, 10 बच्चे ऐड कर लेना, उनकी रैंडम डेट्स एंटर कर लेना आप उसके अकॉर्डिंगली, ताकि अगर किसी ने कल को फ्यूचर में कुछ ऐड भी करना हो तो वो ऐड कर पाए. सर एक महीने की करें? एक महीने का बना लो, वो तो हम इंसर्ट रो कॉलम कर ही पाएंगे बाद में. समझ आ गए जी? सर कब तक देना है? ये आपको मंडे सबमिट करना है 12 o'clock से पहले. एम आई क्लियर? जी सर. ठीक है, नेटवर्किंग डेज, ठीक है जी, वो चीज का भी ध्यान रख लेना, नेटवर्किंग डेज वगैरह और वो सारा कुछ. क्लियर? फेयर इनफ जी सर, यही है इवैल्यूएशन के लिए बस. हां जी यही दे रहा हूं इवैल्यूएशन. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. बोलो बेटे क्लियर है ये? ठीक है, जितने फंक्शंस हमने करे हैं वो सारे एप्लीकेट हो जाएंगे. अगेन आई एम टेलिंग यू कि एक्सेल, अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने जितना करवा दिया जी बस बहुत है, तथास्तु हो गया, अब तो आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाओगे, नहीं. द मोर यू प्ले द मोर यू लर्न. हमने जो टच किया है एलिमेंट्री पार्ट टच किया है, हर चीज को यूज करना सीख लिया है, वो जितना ज्यादा आप उसको डिग इन करते जाओगे, ठीक है जी, उतना वो बढ़ता चला जाएगा और उतना स्किल आपका डेवलप होता रहेगा. आपको बेसिक चीजें याद होनी चाहिए पहले, तो सारे वीडियोस आपके डले हुए हैं, उनको बार बार देखते रहो. इस टूल को छोड़ना मत, ये बहुत काम की चीज है. और ये बहुत मतलब कि आपका जब ऑफिस प्लेसमेंट में माइट बी 10% रोल प्ले कर रही है, बट योर कॉलेज योर ऑफिस लाइफ विल डिपेंड लॉट ऑन दिस. तीन चीजें, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वर्ड, एक्सेल, ये तीन चीजें कंप्यूटर लिटरेसी में आती है. बेसिक चीजें हैं जो बहुत हंसी आती सुन के, बट यही तीन चीजें लोगों को नहीं आती होती. तो इसके ऊपर अपनी मास्टरी कर लो. इसके ऊपर रोज अगर मान के चलो आधा पौना घंटा दो अपने आप को, चीजें एक्सप्लोर करो, बनाओ, देखो चीजें कर करके, क्योंकि ये आपको एक अच्छे एक नॉर्मल बच्चे में और एक जो एक अच्छा एम्प्लॉय है ना वो अट्रैक्टिव चीजें देगा हमेशा. तो ये अट्रैक्टिव चीजें देगा आपको. क्लियर है जी सबको? यस सर. चलो कल मिलते हैं जी, कल मॉड्यूल को फिनिश कर देंगे. ओके सर, बाय बाय, टेक केयर. ओके जी, टेक केयर, बाय बाय.